प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और आज आप सुन पा रहे हैं, आज समझ पा रहे हैं और आज आप बोल पा रहे हैं, आप श्वासें ले पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाला, आपको सुरक्षित रखा। आज जो हमारा जीवन में सबसे बड़ा जो शैतान है, जो आज हमारे जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां लाता है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन, जो नंबर दिया गया है स्क्रीन, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें अपनी अपनी छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी गवाहियां तक भेजते हैं, तो आप सभी लोग भी भेजिएगा। लेकिन सर्वप्रथम आज पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपके घर परिवार, आपके बेटे और बेटियों को हर तरीके की बीमारियों से आपको आजाद रखा, आपको बचा कर एक रखा, क्योंकि आपके बच्चे हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपके बच्चे अनेक प्रकार के काम करते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारे काम हैं जिसमें से परमेश्वर मदद करता है कि परमेश्वर आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आशीष बनकर है, आज उनके जीवन में आशीष देता है। इसीलिए आज हमको बिल्कुल भी भयभीत या डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। यदि आज जिन लोगों ने विश्वास किया है, खुदावंद उसके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आज आप अपनी मानसिकता को सही से रखते हैं, तो आज जो शैतान है, जो हत्यारा है, जो आज आत्महत्या करने का आज अवसर देता है, बड़े बड़े युवा, बड़े बड़े यूथ लोग, आज हमारे बच्चे, हमारे मसीह भाई बहन, बहुत सारे ऐसे खबर भी आती है कि पास्टर जी मेरे बच्चे ने आत्महत्या कर ली, तो उस समय दुख होता है, तकलीफ होता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो शैतान है वो अनेक प्रकार की बुराइयों की तरफ लेकर के जाने वाला है। इसलिए इस बात को आपको समझना है कि आत्महत्या जो होता है वो शैतान कैसे करवाता है, इस बात को समझना। हर एक मसीह भाई बहन, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है और आपसे विनती है कि आप सभी लोग इस वचन को सुनना, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ जब मैंने इस बात को सुना और समझा और मैसेज के द्वारा मेरे पास भेजा गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखिए कि ये प्रभु यीशु मसीह के बाद समय की बात है, जब उस समय शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था। शैतान ने मसीह को मंदिर के कंगूरे पर से नीचे छलांग लगाने कर कहा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान यहाँ पे यीशु मसीह से कहता है कि तो इस मंदिर से, इस कंगूरे का मतलब होता है कि जो सबसे ऊंचा स्थान हो उसे क्या बोला जाता है? कंगूरे बोला जाता है। और नीचे तू छलांग लगा करके आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया। किसने किया? शैतान ने किया। आज उसी तरीके से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में शैतान इतना हावी हो जाता है कि मजबूर कर देता है ऐसे ऐसे लोगों को जीवन में कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको सतर्क और सावधान रहना है। इसीलिए शैतान ने तो बहुत ज्यादा प्रयत्न किया और बहुत ज्यादा प्रेरित किया आत्महत्या करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को याद रखिएगा। मत्ती अध्याय 4:6 में लिखा है, महान परीक्षा के अवसर पर हुआ था। पैरी, मैं एक व्यक्ति की कहानी यदि हम आपको बताएं, ये बहुत बड़ी कहानी है कि वह अपनी जिस तरीके से हजामत आप नहीं बना सकता था, क्योंकि उसके सामने अपना गला आप कटने का प्रबल इच्छा हो उठती है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि हम इन बातों को सही से समझें, तो परमेश्वर का वचन के कहने का मतलब है, जो आज आपके जीवन में हो रहा है या फिर होने वाला है, जो फिर आपके जीवन में बीत गया है, तो परमेश्वर ने कहा जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उसे तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन जो इस समय आपके पास है उसे आपको सही से इस्तेमाल करना है। और सही से विनती और प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से उन बातों को
सकते हैं जो आपके जीवन में हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन और यूथ हैं जो आज इस बात से चिंता है, डिप्रेशन में है, चिंता में है कि मेरी नौकरी नहीं लगती, मेरी जॉब नहीं लगती, आज मैं परेशान हूँ। तो अपने बेटे को, अपने बच्चे को समझाइए। निवेदन है आपसे कि आप अपने बच्चों के प्रति प्रेम लाइए, प्यार लाइए, आप उनको समझाइए। जैसे हम लोग जब चिंतित होते हैं, सभी लोग चिंतित होते हैं, तो आप कहते हैं कि हमारा परमपिता परमेश्वर हम विश्वास रखते हैं, वो हमारा सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन आपके बच्चे जो होते इतने समझदार नहीं होते हैं, तो इसलिए आप उनको सहारा बनिए। आप कहिए कि बेटा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिली है, आपको नहीं मिल रही है, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप जो भी कुछ करता हो, आपका बेटा और आपकी बच्ची जो भी आप कुछ करते हो, तो आप उसमें सबसे पहले आप उसका सहयोग दें, आप उसके साथ खड़े हों कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग साथ हैं, आपके माता पिता भाई बहन सब लोग साथ में हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका हौसला जो होगा बहुत अच्छा होगा, उसका मन अच्छा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो परमेश्वर के राज में बढ़ता जाएगा, और वो एक दिन खुद समझने लगेगा कि मैं अपने जीवन में आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको सर्वप्रथम इन बातों को याद रखना है। इसीलिए यदि आज हम निराश होते हैं, आप सभी लोग निराश होते हैं, तो आप किस पे विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उसी तरीके जो आपके बच्चे होते हैं, वो भी आप पर विश्वास करते हैं कि हमारे माता पिता हैं, वो हमें डांटेंगे नहीं, वो हमें मारेंगे नहीं। इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से हर बातों को सिखाना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, परमेश्वर की महिमा के बारे में, उसके लिए प्रार्थना भी करना, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, बहुत सारी बातों को, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, निसंदेह यदि अधिकांश आत्महत्याओं का यही स्पष्टीकरण होता है, तो शैतान ने प्रवेश का पता लगा लिया है कि इंसान कितना कमजोर हो सकता है। हालेलुया, इंसान कितना कमजोर है। शैतान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पता लगा लेता है कि ये व्यक्ति कितना कितना मजबूत है, या फिर परमेश्वर के राज्य में कितना मजबूत है। इसीलिए आपको शैतान को हमेशा डांट करके सर्वप्रथम पहले सुबह शाम आपको भगाना है और धन्यवाद करना कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो शैतान, वो दुष्ट आत्माएं ना आने पाए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए वो आपके किसी भी काम में बाधाएं नहीं लाता है, किसी भी काम में शैतान आपके, जब आपका बहुत अच्छा दिन जाता है, बहुत अच्छे, जब आप जिस दिन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, जिस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, उसके स्वर्गदूत आते हैं और वो आपके बच्चों को, आपके घर को संभाल कर रखता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें सुख और शांति मिलती है। लेकिन जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरूर प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए आज हम इन बातों को यदि समझते हैं, और ये सब बहुत सारी बातें भी हैं कि आज हम धन खर्च करने की आदत बहुत बुरी बना लिए हैं, मतलब इस चीज पे खर्च करना, उस चीज पे खर्च करना, जो कि किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। हमें उतने ही करना है जितना हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि तुम्हें क्यों चिंता में पड़े, संसार के लोगों को देख करके मत चलो, यदि संसार के लोगों को देखते हुए चलोगे तो संसार के जैसे रह जाओगी, यदि तुम परमेश्वर के राज्य में रह करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो आप उनसे कहीं उत्तम, उनसे कहीं अधिक आप होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम हर एक प्रकार की आदतों को जानते हैं, बिना किसी प्रकार के सोचे समझे परमेश्वर ने कहा, जो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है वो क्या करता है, वो मतलब कि अपने बुद्धि की समझ के द्वारा यदि वो अपने कार्यों को पूरा करता है, संसारिक, परमेश्वर के नहीं, संसारिक कार्यों में यदि अपना मन लगा करके सही से उसे ध्यान से समझता है, यदि वो फैसला लेता है, तब उसके जीवन में उत्तम फल आएंगे। यदि वो किसी को देख करके पैसा खर्च कर रहा है कि फला व्यक्ति ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो गाड़ी ले लिया, इतनी महंगी ले लिया, इतना बड़ा मकान बना लिया, मतलब बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि हमें भी कर लेना चाहिए, नहीं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, इसीलिए आपको संसार को देख करके नहीं चलना है, आपको परमेश्वर के राज्य को देख के चलना है, आपको उन्हीं चीजों पे सही इस्तेमाल करना, सही समय देना है जो आपको आवश्यकता है, जो आपको जरूरत है, और आप खुश रहना सीखे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम आज संसार को देख करके चलते हो तो संसार में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि आप जैसा संसार में देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं, और परमेश्वर के राज्य में यदि आप चलेंगे तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़ी ऊंचाइयों
राज्यों तक लेकर के जाऊंगा और आपको घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े फैशन हमारे पास होते हैं, कपड़े लत्ते बहुत कुछ होता है, तो इन सब बातों को आप सीधा सरल यदि भाषा में कहें तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, चिंता मत करो और आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। ये हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, इन सब सभी बातों को हमें सही से ध्यान से पूर्वक याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो आज हमारे जीवन में शैतानी ताकत काम करती है वो इसी तरीके करती है कि आपके पड़ोसी जो कर रहा है तो आपके मन में लालच डालता है कि तू भी ऐसा कर, क्या तू इससे कम है? नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं और ना ही हम किसी से ज्यादा हैं। हम जो हैं, हमारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम खुश हैं। तो ये अगर आपकी सोच, आपकी मानसिकता, तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर और अपने घर में आप सुख शांति से रहेंगे, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे के जीवन में सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा, जो आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और मेरे प्रिय भाइयों, अपने आँखों को बंद करें, क्योंकि आँखें बंद करने से हमारा जो मन होता है वो परमेश्वर की ओर लगा रहता है, इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करें और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल, आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरी जितने बहने हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपके बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से, आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा, कि परमेश्वर का वचन है
है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का अनेक प्रकार के मरने का विचार आता यीशु मसीह के नाम से, निकल से घर से आज, इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से आज, इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी, आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं। और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में हैं यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्ष्या, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए, और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है। और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है, और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं पिता परमेश्वर, आप कहीं पर बैठ, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए, और आज्ञा दीजिए, कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार के समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से। आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े
बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जिसका इलाज भी नहीं है, तू करने वाला खुदा है, आज तू उसे चंगा करने वाला खुदा है, तू आज उसे आशीष देने वाला है, तू बरकत देने वाला है, तू संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल, मसीह के नाम से आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति से, मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से, जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है, जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है, इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े, आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, खुदावंद आपके घर में आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए, खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।